दोस्तों, शनिवार के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। शमी के वृक्ष की पूजा करने से भगवान शिव जी से लेकर भगवान गणेश तक और शनि देव से लेकर माता महालक्ष्मी तक को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि इस पौधे में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। आपके घर में सुख समृद्धि लाने के लिए ये पौधा बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। शमी के वृक्ष की लकड़ियाँ यज्ञ की वेदी बनाने में काम आती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि शमी का पौधा कितना शुभ होता है। तो आज मैं आपको शमी के पौधे के बहुत से चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर सकते हैं। बस बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहे। दोस्तों, शमी का पौधा इतना महत्वपूर्ण होता है कि तंत्र में शमी के पौधे की हर एक चीज़ इस्तेमाल होती है। कांटे से लेकर पत्ती और टहनियों तक हर चीज़ काम में आती है। अगर आपके जीवन में परेशानियाँ बहुत आ रही हैं, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करने के बावजूद उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन शमी के पौधे के नीचे चमेली के तेल का दीपक जलाने से लाभ होता है। इसके अलावा अगर घर में कलह कलेश बना रहता है, आपको लगता है कि घर में बिना वजह से लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, तो शनिवार के दिन सुबह के समय शमी के पेड़ की जड़ में मीठा पानी डालना चाहिए। अगर इस पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें तो और भी अच्छा रहेगा। पानी को मीठा करने के लिए उसमें शक्कर ना डालें, बल्कि मिश्री डालें। इस जल को चढ़ाने से घर के कलह कलेश समाप्त हो जाते हैं। परिवार के लोग एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं और जहां समझदारी होती है वहां सुख समृद्धि अपने आप ही आने लगती है। धन का आगमन अपने आप ही होने लगता है। परिवार में खुशियां आने लगती हैं। दोस्तों, शनि की साढ़े सती या ढैया चल रही हो तो शमी के पौधे में काले तिल का उपाय बहुत लाभकारी होता है। यदि शनि की साढ़े सती या ढैया चल रही हो तो नौकरी में दिक्कतें आती हैं, व्यापार अच्छा नहीं चलता है, काम के बीच में अनावश्यक अड़चनें आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन संध्या समय एक मुट्ठी काले तिल लेकर आपको शमी के पेड़ की जड़ में अर्पित करने हैं। इस उपाय को करने से नौकरी की परेशानी, व्यापार में दिक्कतें, काम पूरे ना होने की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कई बार घर को भी नज़रदोष लग जाता है, इससे घर की समृद्धि में बाधा आने लगती है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको करना क्या है कि शनिवार के दिन शाम के समय शमी के पौधे के पत्ते लेने हैं और उन पत्तों को अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में कहीं रख देना है। इस उपाय को करने से
नजर दोष दूर होता है और घर में धन आगमन और सुख समृद्धि आने के नए नए रास्ते बनने लगते हैं। इस उपाय से माता महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी निवास करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि घर में समृद्धि बढ़ाने और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शमी का वृक्ष किस तरह से लाभकारी है। अगर घर परिवार में धन का अभाव बना हुआ है, खूब मेहनत करने के बाद भी धन की कमी है और खर्च अधिक है, तो किसी शुभ दिन शमी का पौधा खरीदकर घर ले आएं। फिर शनिवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर नए गमले में शुद्ध मिट्टी भरकर शमी का पौधा लगा दें। इसके बाद शमी के पौधे की जड़ में एक सुपारी और एक रुपए का सिक्का दबा दें। पौधे पर गंगा जल अर्पित करें और पूजन करें। पौधे में रोज पानी डालें और शाम के समय उसमें एक घी का दीपक जलाएं। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे आपके खर्च में कमी आने लगेगी और धन संचय होने लगेगा। एक दूसरा उपाय ये भी है कि एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें आपको एक चांदी का सिक्का रखना है। सिक्का गणेश लक्ष्मी वाला होना चाहिए। उसके ऊपर आपको शमी के पौधे की कुछ पत्तियाँ, कुछ छोटी छोटी और पतली लकड़ियाँ रखकर उस कपड़े को बांधकर पोटली बना लीजिए और उसे आप अपने धन स्थान या घर के उत्तर पूर्व दिशा में किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए। इस उपाय को करने से धन समृद्धि चमत्कारी रूप से बढ़ती है। कई सारे युवक युवतियों के विवाह में बाधा आती है। विवाह में बाधा आने का एक कारण जन्म कुंडली में शनि का दूषित होना भी है। किसी भी शनिवार के दिन से प्रारंभ करते हुए लगातार 45 दिनों तक शाम के समय शमी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और सिंदूर से पूजन करें। इस दौरान अपने शीघ्र विवाह की कामना व्यक्त करें। इससे शनि दोष समाप्त होगा और विवाह में आ रही सारी बाधाएं समाप्त होंगी। तो दोस्तों, ये थे शमी के वृक्ष के कुछ उपाय, जिन्हें करने से घर में सुख संपन्नता और वैभव का आगमन होता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।